हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में हाथ पैर में सूजन आने के कौन से कारण होते हैं और सूजन कम करने के लिए हम क्या घरेलू नुस्खे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी सूजन को कम करें जिससे हमें प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग के प्रॉब्लम से राहत मिल सके। तो जैसे जैसे आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आती जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाली ये सूजन बढ़ती जाती है। ज़्यादातर मौक़ों पर यह सूजन नॉर्मल होती है, लेकिन कई बार ये किसी आपके अन्य प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का भी इंडिकेशन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैर और खासकर एंकल और पैरों के पंजे के पास सूजन होना नॉर्मल सी बात है। इस सूजन को हम एडिमा कहते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि आखिर ये सूजन क्यों होती है और इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जो संपूर्ण विकास के लिए और बच्चे को सेफ रखने के लिए मदर के शरीर में 50% तक और एक्स्ट्रा जो ब्लड होते हैं और जो तरल पदार्थों का प्रोडक्शन होने लगता है, इसी एक्स्ट्रा ब्लड और तरल पदार्थों के शरीर में रिटेंशन मीन्स जमाव की वजह से हमारे जो यूटेरस के बढ़ते आकार और प्रेशर की वजह से हाथ और पैर के साथ साथ शरीर में कई बॉडी पार्ट्स में सूजन हो जाती है, मीन्स स्वेलिंग दिखाई देती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 50-80% महिलाओं को सूजन की दिक्कत होती है और शाम के समय, और मान लो गर्मी का सीजन है सो सूजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि पैरों में होने वाली थोड़ी बहुत सूजन होना नॉर्मल सी बात है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाथ और चेहरे पर जो होने वाली सूजन प्री एक्लैम्प्सिया का इंडिकेशन हो सकता है। प्री एक्लैम्प्सिया प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन होती है उसे इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं जो प्री एक्लैम्प्सिया या स्वेलिंग की जो कंडीशन होती है वो कब दिखने लगती है। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर तक खड़े रहने से सूजन की समस्या आपको हो सकती है। सेकंड, बहुत ज़्यादा काम करने या शरीर के टायर्ड मीन्स थक जाने पर भी सूजन आपके बॉडी में नज़र आ सकती है। इसके साथ ही अगर आप ज़्यादा कैफीन का यूज़ करती हैं तो इससे भी आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नज़र आ सकती है प्रेगनेंसी में। खाने में नमक और सोडियम का ज़्यादा अगर यूज़ करती हैं तो ये रीज़न भी प्रेगनेंसी में स्वेलिंग का कारण हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से रीज़न होते हैं, कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी स्वेलिंग की कॉम्प्लिकेशन समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। तो उसमें फर्स्ट रीज़न है हमारा शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें पता है बहुत सारे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोडक्शन होते हैं और जिससे हमारी प्रेगनेंसी भी आगे मेंटेन होती है। उनमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जिनके वजह से बॉडी में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अगर इन हार्मोन्स का नॉर्मल एक बैलेंस नहीं होता है, इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और HCG और प्रोलैक्टिन जैसे कई हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इस वजह से एडिमा मीन्स सूजन या स्वेलिंग की आपको समस्या अपने बॉडी में दिखने लगती हैं। सेकेंड रीज़न है हमारा वजन का बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान इस 9 महीने के पीरियड में जो प्रेग्नेंट मदर का अच्छा खासा वजन भी इंक्रीज होता है। बच्चे के जो बेटर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वजन बढ़ना ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ शरीर में मौजूद जो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेगनेंसी में महिला के वजन का 25% हिस्सा होता है, ऐसे में वजन बढ़ने से भी पैरों में सूजन नज़र आने लगती हैं। थर्ड रीजन है हमारा नसों पर बढ़ता दबाव मीन्स वेन पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि यूटेरस के बढ़ते साइज के कारण शरीर की नसों पर दबाव बनने लगता है जिस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस जो पूरे प्रोसेस में जो ब्लड के निचले जो बॉडी पार्ट्स जैसे निचले अंगों से हार्ट तक पहुंचने में जो ब्लड होती है ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जिसके कारण पैरों में सूजन भी हो सकती है। फोर्थ रीजन है हमारा हीमोग्लोबिन की कमी। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार शरीर में कम प्रोटीन
और कम हीमोग्लोबिन की वजह से भी सूजन नज़र आने लगती है। और कई महिलाओं की ऐसी भी कंडीशन होती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके जो पंजों के जो हिस्से होते हैं पैर के, वहाँ उनकी स्वेलिंग बनी ही रहती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट से 9 मंथ तक कुछ महिलाओं में ऐसा भी देखा जाता है, लेकिन डिलीवरी के बाद पैर जो होते हैं उनकी जो स्वेलिंग होती है वो नॉर्मल हो जाती है। और ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जो फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, उसका जो रिएक्शन हमें अपने बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग के रूप में दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो सूजन की समस्या होती है, हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, कौन से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं जिनके वजह से जो एडिमा की कंडीशन होती है वो थोड़ी कम हो जाए। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक ही पोजीशन में बहुत देर तक खड़ी या बैठी ना रहें, क्योंकि ये भी मायने रखता है। पोजीशन चेंज करें, पैरों को एक्टिव रखें। अगर बहुत देर से खड़ी हैं या चल रही हैं तो बीच में थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा रेस्ट करें, जिससे आपको जो एडिमा की कॉम्प्लिकेशन हो रही है उससे थोड़ी आपको राहत मिल सके। अगर आप बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठी हैं या चल रही हैं तो हर 5 to 10 मिनट्स के इंटरवल पे एक ब्रेक लें और अपने बॉडी को रेस्ट करें, पैरों को थोड़ा एक्टिव करें, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। सेकेंड टिप है हमारा कम सॉल्ट मीन्स कम नमक का यूज़ करना। प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैर में होने वाली जो सूजन को कम करने का सबसे इजी जो ट्रिक है वो है आप अपनी डाइट में नमक थोड़ा कम करें, क्योंकि नमक शरीर में मौजूद जो एक्स्ट्रा पानी को रोक रखता है, रिटेंशन करता है बॉडी में। ऐसे में जब शरीर में पहले से इतना सारा वाटर रिटेंशन हो रखा है और ऐसे में ज़्यादा सॉल्ट खाने से वाटर रिटेंशन और बढ़ता है, और इसके वजह से आपको एडिमा की जो प्रॉब्लम होती है उसे आपको फील करना पड़ता है। तो आप ज़्यादा नमक का यूज़ बिल्कुल ना करें। टिप है हमारा पोटेशियम रिच डाइट आप अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा लें। शरीर में जो तरल पदार्थों को बैलेंस करने में आपको मदद करेगा अगर आप अपनी डाइट में पोटेशियम ज़्यादा लेती हैं। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक हो। जैसे आप केला ले सकती हैं, आलू ले सकती हैं, पालक, बीन्स, दही, दालें, और जो सॉल्मन फिश होती है जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है। ऐसी चीज़ें आप अगर लेती हैं कुछ हदों तक आपको जो एडिमा की कंडीशन मीन स्वेलिंग की कंडीशन जो होती है उससे राहत मिल सकती है। नेक्स्ट टिप है हमारा कैफीन का कम यूज़ करना। अगर आप चाय या कॉफ़ी की लवर है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपनी इन आदतों में थोड़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो कैफीन का ज़्यादा यूज़ करना हमारे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता, और दूसरी होती है जो सोडियम की तरह ही कैफीन भी शरीर में तरल पदार्थों को रोक कर रखता है, जिससे वाटर रिटेंशन की जो समस्या होती है वो बढ़ सकती है। इसलिए कैफीन इनटेक कम से कम करें और अपनी और बेबी की हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। टिप है हमारा पैरों की मसाज करना, मालिश करना। पैरों की मसाज करवाने से आपको सूजन से राहत मिल सकती है। मसाज करने से एक जगह पर जो तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसमें सूजन कम करने में मदद मिलती है। आप चाहें तो पेपरमिंट या लेवेंडर के जो एसेंशियल ऑयल आते हैं उससे पैरों की मसाज करके रिलैक्स फील भी कर सकती है। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो प्रेगनेंसी में जो वो आपकी पैरों की जो सूजन की वजह से बॉडी में जो पेन रहता है वो एक कम हो जाता है, और दूसरा जो आपको एक मूड रिलैक्स होती है, बॉडी आपकी बहुत रिलैक्स फील करेगी और आपको बहुत राहत मिलेगा। सारे जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये सारे नेचुरल और जो बहुत नॉर्मल प्रोसेस होती है, इससे आपकी प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।